में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर यूएन में खूब डिस्कशन चल रही थी, तो भारत सरकार की ओर से रणदीप घोष वहां पर स्थाई क्या थी मतलब राजदूत जैसा कुछ पद था, बहुत मतलब खतरनाक किस्म की महिला मानी जाती थी, बहुत बिंदास जिंदा दिल लड़ाकू खूंखार टाइप की, तो उनका बोर्ड था, इसी पर बात चल रही थी ग्रीवांस रिड्रेसल पर। तो उन्होंने पूछा कि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हो जो थोड़े से लाइवली हों, ठीक से बात करते हों, मुस्कुराहट से बात कर सकते हों और लोगों की शिकायतों को ठीक से सुन सके। तो वो अंग्रेजी में चल रहा था, वो हिंदी उनको ठीक से नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि मान लो मेरे घर की बिजली चली जाए और मैं जाऊँ बिजली विभाग में, मैं कहूँगी बिजली नहीं आ रही, सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा के बताया कि बिजली क्यों नहीं आ रही, मैं तो झपट मारूंगी उसे। तो इससे क्या होगा मुस्कुराने से, अरे आदमी को समाधान चाहिए। फिर मैंने कहा मैडम मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मुस्कुराना है, समाधान तो करना ही है, लेकिन समाधान करने के दो ऑप्शन है, एक बिना मुस्कुराहट के करना, एक मुस्कुराहट के साथ करना। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि समाधान मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए, मैं समाधान ना हो ये कब कह रहा हूँ। फिर बोली अच्छा अच्छा ये कह रहे हो, देखती हूँ अभी देखती हूँ। तो इस बात से तो आप भी सहमत होंगे ना भाई कि अगर सरकारी ऑफिस में कोई आपसे ठीक से बात कर लेगा, समाधान तो चाहिए चाहिए,